अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल विल बी फाइन. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू यूनिट, यूनिट नंबर 4. द टॉपिक इज़ प्लांट्स, पेज नंबर इज़ 26. आज हमने इसकी रीडिंग करनी है. सबसे पहले प्लांट्स, बेटा आपको पता है पौधे होते हैं, इसका हमें ये पता होना चाहिए कि ये लिविंग थिंग्स है, जानदार है, या फिर नॉन लिविंग थिंग्स है, या फिर जान चीज़ें हैं. ठीक है, जो लिविंग थिंग्स होती है ना, दे कैन मूव, वो ग्रो भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं, ईट कर सकते हैं. इसलिए जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं ना, हम भी एनिमल्स में ही आते हैं, ये सब लिविंग थिंग्स होते हैं. ठीक है, और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो मूव भी नहीं कर सकते, ग्रो भी नहीं कर सकते, ब्रीथ भी नहीं कर सकते, ईट भी नहीं कर सकते. वो सारे जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, बेजान चीज़ें होती हैं. जैसे मैंने कुछ लिविंग थिंग्स की पिक्चर नीचे ऐड की हुई है, आप देख सकते हैं. ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 27 पे प्लांट्स का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है. सबसे पहले तो प्लांट्स जो हैं, उन्हें ग्रो करने के लिए सनलाइट चाहिए होती है, जो कि सन से लेते हैं, वो एयर वो हमारी सराउंडिंग में प्रेजेंट होती है. उसके बाद वाटर चाहिए होते हैं, उसके बाद सोइल चाहिए होते हैं, मिट्टी चाहिए होती है, जिसके बगैर प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते. ठीक है, उसके बाद काइंड्स ऑफ प्लांट्स हैं, देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स. बहुत ज़्यादा जो हैं डिफरेंट काइंड्स हैं प्लांट्स की, और प्लांट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा शेप्स में और बहुत ज़्यादा साइज़ में भी हमें मिलते हैं. कुछ प्लांट्स जो हैं वो टॉल होते हैं, कुछ जो हैं वो स्मॉल होते हैं, और कुछ वाटर में ग्रो करते हैं, कुछ लैंड पर ग्रो करते हैं. और इनकी एग्जाम्पल्स हैं, देखें, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स. जो क्लाइंबर्स हैं ना, वो क्लाइंब अप द वॉल्स, वॉल्स जो हैं दीवारों के साथ ऐसे लटके होते हैं, उनके साथ साथ ग्रो कर रहे होते हैं. ठीक है, और जो क्रीपर्स हैं ना, वो अलोंग द ग्राउंड, ज़मीन पे ग्रो करते हैं. जो बेलें ज़मीन पे फैली होती हैं ना, वो क्रीपर्स होते हैं. ठीक है, इसके अलावा पेज नंबर 28 पे हमें बेटा बताया हुआ है कि जो प्लांट्स हैं ना, वो हमें फूड देते हैं. कुछ प्लांट्स हमें फ्रूट्स देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं, जो हम खाते हैं, इंसान भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं. और प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, हमें शेड प्रोवाइड करते हैं, हमें शेल्टर प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 29 है, उसमें पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में बताया हुआ है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स की डिस्क्रिप्शन दी हुई है. ठीक है, सबसे पहले जो है जो प्लांट का पार्ट है, उसमें आता है रूट्स. जो रूट्स हैं ना, वो ज़मीन पर होती हैं, अंडरग्राउंड होती हैं, ज़मीन के अंदर प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, उसके बाद स्टेम आ जाती है, जो स्टेम है उसके ऊपर ग्रो कर रही होती है, रूट्स के साथ ही अटैच होती है. उसके बाद जो है लीफ आ जाता है, लीफ जो है वो ऐसे स्टेम के साथ अटैच होते हैं, ग्रीन कलर के जो लीफ होते हैं ना, आपको पता ही है, आपने देखे हुए हैं. ठीक है, उसके बाद जब प्लांट ग्रो करता है तो वो फ्लावर्स भी बन जाते हैं उसके, और उसके बाद फ्लावर जो है वो फ्रूट बन जाते हैं, फ्रूट फिर हमें ऐसे दिखाई देते हैं. ठीक है, ये आज की आपकी रीडिंग है, पेज नंबर की 26 से लेकर 29 तक आपने करनी है. डेट एंड डे भी मेंशन करनी है आपने आज की, और आपकी डायरी है आगे नेक्स्ट पेज नंबर 2, पेज नंबर 30 ऑन बुक. आपने ये पेज नंबर जो 30 है ना, खुद से सॉल्व करना है बुक के ऊपर, ये इजी सा ही है. थैंक यू.